हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी होली स्पेशल मावा वाला पनीर। तो मावा वाला पनीर बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसके लिए हमने ये 1 किलो पनीर लिया जिसको हमने टुकड़ों में काट लिया है। और हमने आधा किलो ये मटर के दाने लिए, और 2 टमाटर, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च लिए जिसका हम पेस्ट बनाएंगे, और 2 प्याज और 5-6 लहसुन की कली लिए जिसको हम पीस कर तैयार इसका भी पेस्ट बनाएंगे। और हमने 1 प्याज को बारीक काट के ले लिया है, और धनिया ले लिया है, और ये हमने खोया लिया है जिसको मावा बोलते हैं। और हमने ये तड़का लगाने के लिए 2 तेज़पात के पत्ते, 1 चम्मच जीरा और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 चम्मच हींग लिए जिसका हम तड़का लगाएंगे। और ये पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें। और ये मसाले हैं, तो चलिए सबसे पहले टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे, और लहसुन प्याज का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम पनीर की सब्जी बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, लहसुन प्याज का पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया, इसको 1 बाउल में कर लेते हैं। तो देखिए, टमाटर हरी मिर्च और अदरक का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं, इसको भी जार में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, टमाटर का भी पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। चलिए गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई को रख दिया, इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। तो देखिए, जब तक हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है, मावा को कद्दूकस कर लेते हैं। मावा को हम कद्दूकस करके डालेंगे। तो देखिए, पनीर में मावा डालने से इसकी ग्रेवी बहुत ही थिक हो जाती है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से हमने कद्दूकस कर लिया है, और इधर हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो हल्का हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। एक पनीर को डालकर देखेंगे, तो देखिए इसमें बबल आ रहे हैं। तो देखिए पनीर को इस तरीके से लाइट फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, पनीर की ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में फिर से ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें इलायची, जीरा, हींग सभी मसालों को डाल देते हैं, तेज़पात को भी डाल देते हैं, और इन्हें क्रैक हो जाने देते हैं। तो देखिए, जीरा हमारा अच्छे से क्रैक हो गया है, इसमें बारीक कटा प्याज डाल देते हैं, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर। तो देखिए, इस तरीके से प्याज को चलाते रहना है। तो देखिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं, इसको भी 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, लहसुन प्याज का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो देखिए, इसमें कद्दूकस किया हुआ मावा भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, मावा को भी मसाले में मिक्स कर देते हैं, इसको भी मसाले के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं, इसको भी मसाले के साथ में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, ये हमारी ग्रेवी का मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें और मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, तो देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच यहाँ पर हम गरम मसाला डालेंगे, और 1/2 चम्मच यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, और टेस्ट के अकॉर्डिंग 1.5 चम्मच नमक डाला है। तो देखिए, सब्जी को कलरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, इससे इसका सब्जी का कलर बहुत ही प्यारा आता है, और इसका टेक्सचर भी बहुत प्यारा आता है, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो देखिए, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, मसाला ऑयल छोड़ रहा है, तो इसमें मटर भी ऐड कर देते हैं। 2 मिनट मटर को भी मसाले के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, मसाले के साथ में मटर भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है, और मसाला ऑयल छोड़ रहा है, तो इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं। आपको जितनी ग्रेवी बनानी हो आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने पानी को भी ऐड कर दिया है, मसाले को मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, ग्रेवी को थिक होने तक पका लेते हैं, तो इसे 10 मिनट बाद हम फिर से चेक करेंगे, ढककर रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो देखिए, एक बार ग्रेवी को चेक कर लेते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा सा उबाल आ रहा है, और अभी हमारी ग्रेवी थिक नहीं हुई है, तो इसे कुछ देर और पका लेते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 10 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारी ग्रेवी अच्छे से थिक हो गई है नहीं। तो देखिए, हमारी ग्रेवी थिक हो गई है, जितनी रखनी है उतनी एकदम परफेक्ट तरीके से हो गई है। तो मटर को भी चेक कर लेते हैं, मटर भी हमारी पककर तैयार हो गई है, तो इसमें अब पनीर को भी ऐड कर देते हैं। तो मावा वाला पनीर आप लोग ज़रूर बनाकर देखें, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इससे पूड़ी, नान, रोटी, पराठे, चावल, पुलाव किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोग छोटे मोटे त्यौहार पर आप इसे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाकर देखें। तो देखिए, इसमें पनीर को भी मिक्स कर देते हैं, और 5 मिनट इसको भी पका लेते हैं, और हमारा पनीर देखने में बहुत सुंदर लग रहा है।
और ये एकदम कलरफुल बना है इस तरीके से, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर कर देखें। तो देखिए इसे और कलरफुल बनाने के लिए इसमें हरा धनिया गार्निश कर देते हैं, हरे धनिया से सब्जी और भी टेस्टी हो जाती है। तो 5 मिनट के लिए पनीर को भी ग्रेवी के साथ ही पका लेते हैं और इसे ढककर 5 मिनट बाद हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए, पनीर हमारा बनकर तैयार हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हमारा बहुत ही टेस्टी पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाएं और मावा पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए बहुत ही कलरफुल पनीर बन गया है। तो इसे शर्व करने के लिए एक बाउल में परोस देते हैं और इसे शर्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी ये खोया वाले पनीर की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।